नमस्कार, मेरा नाम आर्यन उपाध्याय है और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स जो है वो मोशन इन प्लेन में एक पार्ट प्ले करता है। इसे हम मोशन इन 1D से पहले समझ रहे हैं। कई लोग इसे मोशन इन प्लेन से पहले समझाते हैं, मोशन इन 1D के बाद भी समझाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम वेक्टर्स को सबसे पहले ले रहे हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक टूल भी इसे आप कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स से अलग टाइप का एक मैथमेटिक्स ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बस ये कहना चाहूँगा, आपको गारंटी देना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो में बने रहें और अगर आपने चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनी, चीज़ों को नोट करते गए, तो जब ये लेक्चर, जब ये कोर्स समाप्त होगा, वेक्टर्स चैप्टर जब समाप्त होगा, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस की अनुभूति होगी अगर आप रिविजन प्रॉपर करते रहें और जो भी आपके कोचिंग के मॉड्यूल हैं या क्वेश्चन जो भी हैं, किताब तो एक रखा होगा, उसके क्वेश्चन आप लगाइए, काम हो जाएगा। एनसीईआरटी छू लिया तब हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के एकदम स्टार्टिंग से, बहुत ही धीरे धीरे हम जाएंगे। जिसको इस लेक्चर को जल्दी जाना है, जल्दी भगाना है, तो वो 2x पे या फिर 1.5x पे देख सकता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक जिसे ABCD भी नहीं आता। आप ABCD पहले सीखेंगे, उसके बाद अंत अंत तक आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, दो प्रकार की, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, अब आप में से कई लोग इसे सोचेंगे कि यार ये क्या, भगाओ या स्किप करो, लेकिन देखिए 85% जो जनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर का आप डेफिनेशन बताइए, आप गलत बोलेंगे। इतना गलत कैसे हो सकता भाई, गारंटी के साथ अभी मैं क्लियर करूंगा क्यों गलत बोलेंगे। अच्छा, स्केलर क्या होता है, आपका दिमाग क्या कहता है स्केलर क्या है, जल्दी भागते हैं। स्केलर क्या होता है यार, स्केलर क्वांटिटी ये क्वांटिटी होता है, जैसे कि हमने यहां पर एक मान लीजिए झोला रखा, हमने इस डायरेक्शन से 4 kg चावल इसके अंदर, 4 kg चावल जो है इसके अंदर फेंका, ये नीचे आके गिर गया इसमें। अब हमने इस डायरेक्शन से यहां पर 5 kg चावल इसमें अंदर डाला, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा, टोटल इसका मास कितना होगा बताना भाई। इसका टोटल मास हो जाएगा 9 kg, 4 kg और 5 kg सिंपली ऐड हो जाएंगे, जो बचपन से लेके क्लास 11 के स्टार्टिंग तक हम सीखते हुए आ रहे हैं भाई। एक बेसिक मैथ होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 4 9 होता है, 5 - 4 1 होता है, ये बेसिक है। लेकिन फिजिक्स में जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तो 4 + 4 = 0 भी हो जाएंगे, 4 + 4 = 6 भी हो जाएंगे, और मेरे दोस्त 4 + 4 = 4 भी होते हैं कई केसेस में। उसीलिए वेक्टर्स एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, भले आप फिजिक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, भले आप क्लास 11 में हैं या नहीं है, इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो मेरा एक कोट है, हमारे चैनल का एक कोट है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा दो। तो देखिए यार, स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है, सिंपल एडिशन, आपने इधर से 2 kg रसगुल्ला खाया, इधर से 2 kg रसगुल्ला खाया, पेट में आपका 4 kg ही जाएगा। बात अलग है कि खाते ही आपका निकल जाएगा, क्या होगा वो तो अलग केस है भाई, लेकिन इधर से 2 kg खाया या इधर से 2 kg गया, पेट में जाके 4 kg घट के शून्य नहीं हो जाएंगे। अब एक्सेप्शन केस तो हर जगह होते हैं भाई, मान लीजिए कोई दवाई खा रहा है, थोड़ा सा मोशन है, ठीक, लेकिन वेक्टर्स में केस क्या है उसको समझने से पहले स्केलर का एक नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि द फिजिकल क्वांटिटीज That has a magnitude and may be or may not be have direction. अब यहाँ पर खेला आया, कई लोगों को डाउट होता है, कई लोगों का क्लियर भी होगा, लेकिन फिर भी हम उसे क्लियर कर देते हैं। अब कई महर्षि जो आएंगे वो हमसे कहेंगे कि अच्छा ये तो बता दिया भाई आपने कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैंने कब बोला डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा करंट, मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि यहाँ से 4 ampere आया और यहां से 4 ampere आया, मैंने कहा ओके, और यहां से एक तार कनेक्ट हो गया, इसमें कितना जाएगा, यहां पर 8 ampere जाएगा जी, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 degree है। फिर उन्होंने बोला कि यहां से 4 ampere आया, यहां से 10 ampere आया, यहां पर कितना जाएगा जी, हमने कहा 14 ampere। उन्होंने कहा कि ये तो स्केलर है, जुड़ रहा है, लेकिन इसके पास भी तो डायरेक्शन है। अरे यार, बात तो सही है, स्केलर के पास तो डायरेक्शन है, स्केलर के पास तो डायरेक्शन है, तब मैं इसके ये मतलब ये तो करंट है भाई, करंट के पास तो डायरेक्शन है, लेकिन मैं कहता हूं कि करंट स्केलर है, बुक में भी लिखा होगा करंट स्केलर है, क्यों कहता हूं, कुछ तो रीजन होगा। अरे उसे लिए कहा था ना, वेक्टर्स का 85% जनता डेफिनेशन गलत बोलेगी।
स्केलर का मतलब ये होता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड. अब लो भाई मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, यहां पर 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है ना, कितना एम्पेयर कर रहा है 4, ये क्या है मैग्नीट्यूड, काम खत्म. यहां पर 14 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, कितना 14, ये हो गया मैग्नीट्यूड. मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना. हमें दिमाग लगाना है कि यार स्केलर के पास डायरेक्शन है, मतलब करंट के पास डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर क्यों नहीं स्केलर क्यों. यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 + 4 = 8 हो रहा है, 4 + 10 = 14 हो रहा है, मतलब यहां पर सिंपल मैच लग रहा है. इसी सिंपल मैच को हम स्केलर मैथ भी बोलते हैं साहब. क्या कहते हैं भाई, स्केलर मैच भी बोलते हैं. लेकिन वेक्टर के केस में अलग दुनिया है. मैंने कहा नहीं है कि 4 + 4 वेक्टर के केस में होता है कि 4 ही आंसर आ जाएगा. हाँ भाई, तो वेक्टर के लिए स्केलर मैथमेटिक्स रेयरली कहीं यूज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, रेयरली कहीं यूज होगा. लेकिन यहां पर अलग इसका मैथमेटिक्स है, अलग मल्टीवर्स में रहता है. उस मल्टीवर्स में आज हम जाने वाले हैं, उस मेटावर्स में हम जाने वाले हैं आज. हाँ भाई, तो वेक्टर होता क्या ये बता दो. तो वेक्टर का सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, पुष्पा मैडम आपकी स्कूल में पूछ सकती हैं. देखो, वेक्टर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड विच हैज अ डायरेक्शन. दोनों मस्ट हैं, दोनों मस्ट हैं. एक चीज मैं बताऊंगा आपको आगे, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड विच हैज डायरेक्शन, दोनों मस्ट हैं. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. इसका एडिशन नॉर्मली नहीं होता साहब, इसका एडिशन वेक्टर के लॉ के तहत होता है. ये क्या है साहब, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करने वाले हैं. इतनी जल्दी भी क्या है दादा, हैं व्यूज बटोरने दीजिए, थोड़ा सस्पेंस जमाया जाए यार. चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई भाई. क्लियर क्या बात हुई कि स्केलर और वेक्टर में, आपसे किसी ने पूछा कि स्केलर में क्या डायरेक्शन होता है, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. करंट में तो है, करंट में तो है, मास में भले नहीं है. मतलब स्केलर का डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वेक्टर का डायरेक्शन मस्ट है. लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने वाला जो मेन चीज है, दैट इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड हियर इट इज द स्केलर मैथ, और यू कैन से सिंपल मैथ. व्हाट इज दिस मैथ इन द वेक्टर, वी विल गेट टू नो अबाउट दैट इन वेक्टर चैप्टर. ठीक है, हाँ भाई, ये बात क्लियर हुई. चलिए चलिए चलिए, अरे चलिए चलिए, अब क्या बात करने हमें भाई. तो हर एक टॉपिक को एक साथ हम देखेंगे. अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो देखिए, मान लीजिए ये डब्बा है, अब्बा डब्बा बब्बा, ये एक डब्बा है. ठीक है, ये एक डब्बा है भाई, अब्बा डब्बा बब्बा, और ये एक डब्बा है भाई. यहां से मैंने इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये उधर चला जाएगा. इसको मैंने यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये इधर चला जाएगा. इसको मैंने यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नीचे स्क्वीज आउट हो जाएगा. इसको मैंने यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऊपर उठ जाएगा. यहां पे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब बताओ कहां जाएगा. अरे बता दो, जल्दी बता दो. आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा, तो चीज क्या समझ में आई कि वेक्टर में साफ मैग्नीट्यूड बताओगे तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन जरूरी है. और डायरेक्शन कहां लग रहा है, रिप्रेजेंट करने के लिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है भाई, ये है, समझे. मतलब ये जब चीज नहीं होगी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है ये नहीं होगा, तो आप नहीं बता पाओगे कि ये चीज कहां जाएगी, समझे. तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन और उसके बाद एरो. अब ये एरो जरूरी नहीं इधर ही हो, किधर भी हो सकता है, इधर उधर इधर. ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये ठीक है, इस कंप्लीट चीज को हम क्या कहते हैं भाई, टेल कहते हैं. क्या कहते हैं, टेल, पूंछ. और ये जो चीज है उसे हम हेड कहते हैं, आपको चीजें बताऊंगी. इसी टेल को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और इसी हेड को हम फाइनल पॉइंट भी कहते हैं भाई. ये जब आप पढ़ेंगे ना रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो बड़ा काम आएगा जी, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट. जरूरी बात ये है
कि ये जो आपका एरो है यही आपके वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, इधर मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है भाई। अब ये तो कॉमन सेंस कहता है ना जी। अब ऐसे अगर दिखा दिया कि मतलब ऊपर डायरेक्शन में है, ऐसे दिखा दिया मतलब इस डायरेक्शन में है यार। इस तरह से मानिए कोई वेक्टर है ना, तो ये कंप्लीट जो इसका ये पूंछ होता है ना, कंप्लीट ये जो टेल है इसका, ये जो है साहब ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है मैग्नीट्यूड, और ये जो चीज़ है ना ये आपकी डायरेक्शन बताती है भाई, ठीक है। तो यही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंस्टिट्यूट करके क्या बन गया, वेक्टर बन गया भाई। बहुत सही, मतलब यहाँ अगर मैं इसे 2 न्यूटन नहीं, मान लीजिए 4 न्यूटन कह रहा हूँ, तो इसे मुझे 10 न्यूटन कहना होगा, ठीक है। इसे मैं 1 न्यूटन मान लीजिए कह रहा हूँ, तो इसे मुझे 10 न्यूटन कहना होगा। क्या चीज़ क्लियर हुई, कि जितना बड़ा ये डंडा होगा भाई उतना बड़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो डंडा है ये लेंथ जो है ना टेल का, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ जो है टेल का ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो इसका डायरेक्शन है। क्लियर हुई बात, बहुत सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, मिटाया जाए इसे। अब ये जो चीज़ देखा हमने, देखा कि किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई वेक्टर समझना है, पढ़ना है, तो ग्राफिकली तो बार बार करना है, लेकिन थियोरेटिकली भी तो समझना होगा। तो देखिए थियोरेटिकली कैसे हम करते हैं, थियोरेटिकली, ठीक है। एक्चुअली व्हेन आई राइट इंग्लिश इट बिकम्स लिटिल बिट काइंड ऑफ, बट माई स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी फ्लुएंट एक्चुअली। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थियोरेटिकल इंग्लिश, देन हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, how to represent a vector theoretically. So on a plane just write the name of a vector, it can be any alphabet. Now there's a question, many of the people will say that their English is fluent, they you have a great English. Let's have a common question. I have a question that how many alphabets we have in English, how many alphabet we have in English. मैक्सिमम लोग कहेंगे 26 26 लेटर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इंग्लिश इज वेरी मच टॉप क्लास, ठीक है। अब वेक्टर्स लिखने से पहले ना ये जो मोशन, तो जैसे कि एन पार्टिकल इज इन मोशन, एन पार्टिकल मैंने लिखा, तो जो एन पार्टिकल है ना गलत है, ठीक है, ये अ पार्टिकल होता है। चल इतना तो आपको समझ में आता होगा, ए आई यू कुछ करके चीज़ होती है, उसमें हम नहीं घुसेंगे, लेकिन ये 26 लेटर होते हैं भाई साहब, एक अल्फ़ाबेट होता है, क्या एक अल्फ़ाबेट, मुझे भी हाल फिलहाल में बात पता चली है, हम भी 26 अल्फ़ाबेट वाले ही हैं, आप भी 26 अल्फ़ाबेट वाले ही हैं, ठीक, याद रखिएगा। उसीलिए तो इंग्लिश ऐसी होती है भाई साहब। अब आप भी 26 अल्फाबेट जानते हैं, बचपन में यही पढ़ा है 26 अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड, लेकिन पता चला कि यार अल्फाबेट तो एक ही है। अरे यार देखा जाए कैमरा उखड़ के फेंका नहीं गया ना, ना सब सही है भाई, ठीक है। तो चलिए इसी के चलते किसी ने रिपोर्ट भी कर दिया होगा कि दिस इज़ नॉट एजुकेशनल चैनल, यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बस मजाक की बात है। चलिए भाई, तो थियोरेटिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बस ए और उसके बाद दिस, सिंपल, उसके ऊपर एक दे खींच दो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार इसको मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ उसका मतलब तो ये हुआ कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, तो क्या मैं इसे इस तरह से कर दूँ जो डायरेक्शन हो वैक्टर का उस तरह से, अरे यार अरे नहीं ब्रो, यस ब्रो, नहीं ड्यूड, नो ड्यूड, दिस इज नॉट अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, नो ड्यूड, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट करने का तरीका है यार, अब मैं कहूँ आपसे हाथी बनाने को तो आप ऐसे करेंगे, पूछ निकल गया उसका, बड़े बड़े, ठीक है। तो हाथी को रिप्रेजेंट करने का तो यही तरीका है ना, और वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर दोगे, नहीं नहीं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही, इसका मतलब ये नहीं कि इस डायरेक्शन में। फिर मुझसे किसी ने कान में आके पूछा कि अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं बताना आता आपको क्या, मैग्नीट्यूड बता दीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो उसका लेंथ था तो ऐसे मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो ए वेक्टर है उसको इस डब्बे के अंदर डाल दीजिए, चुपचाप इस तरह से कोना पड़ा होगा, ए वेक्टर है डब्बे के अंदर डाल दीजिए, वो मैग्नीट्यूड होगा उसका, ज़्यादा फैल रहा होगा इस तरह से ए वेक्टर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, उसे डाल दीजिए एक डब्बे के अंदर इस तरह से, बस मैग्नीट्यूड अपना बताएगा जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा।
इसका मतलब क्या है भाई, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस, ठीक है, अगर मॉड भी के लोग कहते हैं, हाँ भाई प्रोफेशनल को प्रो लोग कह रहे हैं, तो मॉड्यूलस को मॉड कहने में किया जाता है। फिर इसने पूछा कि अच्छा डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टोपीबाज आदमी को भी सुना, टोपीबाज आदमी, टोपीबाज आदमी वो होता है ना, मैं एक दिन नए शहर में गया था, आया मैंने पूछा कि भाई साहब ये एरिया कहाँ जाता है बताइए, उसने मुझे टोपी पहना दी इस तरीके से, कैसे इस तरीके से, कहा कि भाई साहब 10 रुपये दो तो बताऊँगा। तो जहाँ भी टोपी बाज आदमी दिख जाए वो समझ लो डायरेक्शन बता रहे भाई, ठीक है। मुझे टोपी बाज आदमी डायरेक्शन नहीं बताया, 10 रुपये मांग दिया, मैंने कहा कि गूगल किस लिए काम आएगा, बस पता जानना चाहिए। तो टोपी, टोपी जहाँ पहुँच जाए भाई वो डायरेक्शन है, टोपी देखे ना, टोपी बाज आदमी डायरेक्शन होता है, ये मैग्नीट्यूड और ये एक कंप्लीट वेक्टर है। अब जो वेक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना हमने कॉपी में, जो चीज़ें लिखने वाली होंगी ये शायद आपको पता हो, जरूरी नहीं है कि आप लिखो, ये लिखना जरूरी, कोई भी जो वेक्टर होता है वो दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है, उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका जो डायरेक्शन है, समझे। जैसे कि हम कहते हैं कि चावल का जो मास है वो 10 kg है, तो वो एक उसके न्यूमेरिक वैल्यू और उसका यूनिट से जैसे बना हुआ है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, एन इंटू यू, आपने यूनिट से मेजरमेंट में पढ़ा होगा ना एन इंटू यू, मैं वही वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, वन शॉट आएगा आधा आधा करके। तो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट हम जो कर रहे हैं, वही किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर बन जाता है। इसको आप भूल जाइए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सिंपल सी बात ये है कि मैंने 10 N का फोर्स लगाया इस डब्बा, अब्बा डब्बा बब्बा पे 10 N का फोर्स लगाया, सिंपल सा सवाल मेरे दिमाग में आएगा कहाँ लगाया, मतलब बस मैं अगर 10 लिख रहा हूँ न्यूटन तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी लगाना होगा मुझे कि ये, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने 10 N का फोर्स लगाया, बोलो यार क्लियर। अब एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, इसमें अभी 10-20% जनता जो है वो गलती करेगी, ठीक है, उसी गलती को सुधारना है हमें। मैंने लिखा 4 N, मैंने लिखा -4 N अलोंग पॉजिटिव एक्स अलोंग एक्स, ठीक है, मैंने लिखा 10 N along पॉजिटिव y, मैंने लिखा 10 N along नेगेटिव z, ठीक है, और मैंने लिखा -10 N along -z। चलिए, क्या ये जो 4 N है और ये जो 4 N है ये दोनों अलग है या सेम है, ये बताइए पहले। और किसको किसको ये लग रहा है कि 4 N इज ग्रेटर देन -4 N, मतलब ये -4 N 0 से छोटा है, किस किस को ये लगा पहले ये बताओ, पहले ये बताइए, सोचिए बढ़िया से, ठीक है, पानी वानी पी जाए थोड़ा। जिसको ये लगा कि ये जो -4 N है 0 से छोटा है, एकदम गलत है आप। वेक्टर्स के केस में जो डायरेक्शन है बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, उनमें से एक चीज़ साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट में। अब सवाल आया कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, रे भाई आगे बात करेंगे, अभी के लिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बस यही बस 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 यही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जेड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड इधर है, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, मतलब 4 N अलोंग पॉजिटिव एक्स मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, -4 N अलोंग एक्स मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, 10 N अलोंग वाई मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, -10 N अलोंग जेड मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है, -10 N अलोंग जेड, ये भी सेम ही चीज़ है। वेक्टर का एक और चीज़ हो जो आपको काम नहीं आता बहुत ज़्यादा, एक वेक्टर्स का एक वो होता है कि ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, एक फ्री वेक्टर है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, एक पेड वेक्टर होता है जो आप पैसे देके पढ़ते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, फ्री वेक्टर ये होता है बेसिकली सारे वेक्टर्स, अगर आपने एक वेक्टर यहाँ पर रखा और एक वेक्टर यहाँ पर रख दिया, इसी को यहीं उठा के यहाँ पर रख दिया और इसी को उठा के इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करी, इसी को उठा के इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा मैंने, ठीक है, तो सबका जो वैल्यू है सेम आएगा, मतलब मैंने इस तरीके से अगर कोई वेक्टर रखा हुआ है तो इसको मैं उठा के यहाँ पर कर सकता हूँ कहीं भी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इस तरीके से, और इसी चीज़ को उठा के यहाँ पर भी ला सकता हूँ, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, इसी को हम फ्री वेक्टर कहते हैं।
ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा काम का ही जाएगा भाई। चलिए अब बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। शुरुआती लेक्चर है, थोड़ा स्लो रहेगा, आगे आगे जाकर धीरे धीरे स्पीड अप हम करते रहेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो देखिए अपना फॉर्मूला अलग है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें फायदा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, जो मैं तेरा मेरा जो तरीका है, मेरे टीचर का ये तरीका था, अभी ये आपका भी तरीका होगा, आप भी जो पढ़ाएंगे तो आपका तरीका हो जाएगा, आप कहेंगे कि मेरे टीचर का ये तरीका था। एंगल बिटवीन वेक्टर्स बेसिकली क्या है कि ये वेक्टर जा रहे हैं यहाँ पे और एक ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल ही दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन होता है। कैसे? इसका डायरेक्शन कहां है? इधर। इसका डायरेक्शन कहां है? इधर। मान लीजिए कोई आदमी इस तरीके से, कोई कार इस तरीके से जा रही थी, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रही, एक ही बार में क्या हो गया भाई, उधर पलट गया, कितना ये पलट गया, हाँ उसके बाद जा रहे, कितना घुमा भाई ये, हाँ ये होता है जी एंगल बिटवीन वेक्टर, समझे। और जो एंगल है शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, 180 है ना, 120 नहीं होना चाहिए, हाँ ये जो एंगल है शुड बी लेस देन 180 डिग्री, बस मतलब ये नहीं कई महर्षियों के दिमाग में आएगा कि ये एंगल क्यों नहीं भाई, तो पहले ही बता दिया भाई ये 180 से कम होना चाहिए, यहाँ तक ही आप एंगल लेते हो, ये नहीं किससे बड़ा वाला ले लिया, इतना महाज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई वेक्टर है यहाँ पर और ये कोई वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये कोई वेक्टर है यहाँ पर, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है बताना, इधर, इसका डायरेक्शन कहाँ है बताना, इधर, तो ये यहाँ से यहाँ तक घुमा, मतलब एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस कितना घुमा भाई, यहाँ से यहाँ घुमा, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन कहाँ है, ये है जी, ये नहीं कि ये वाला ले लिया हमने, ये नहीं लेना, ये वाला लेना है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। मान लीजिए इस तरीके से है, अब बताइए तीनों के बीच का डायरेक्शन, रोकिए, पॉज करिए, प्रयास करिए, फिर हम बताएंगे आपको। तो जी इसका डायरेक्शन यहां पे है, इसका डायरेक्शन यहां पे है और इसका डायरेक्शन यहां पे है, इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर मुझे डायरेक्शन जानना है, मान लीजिए इसे मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया, इसे मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया, तो इनका बीच का डायरेक्शन जी, डायरेक्शन बिटवीन देयर, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन का, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, ये है जी, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है जी, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है जी, आई बात समझ, ठीक है। एक और ले एग्जांपल, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर मान लो, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर मान लो, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर मान लो, ये एक वेक्टर है डी वेक्टर मान लो, ये एक वेक्टर है ये वेक्टर मान लो, ये एक वेक्टर है एफ वेक्टर मान लो, सबके बीच का डायरेक्शन बताना है मुझे। तो भाई इसको हटा दिया जाए अभी के लिए, इसका डायरेक्शन इधर, 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 है नहीं। तो एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कितना मुड़ा, ये मुड़ा जी, लो ये इधर जा रहा है, ये इधर गया, कितना है जी, ये लो, समझे बात, चीजें क्लियर हुई, एंगल बिटवीन वेक्टर शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताऊं लोग आपको कैसे समझाते हैं, आप लोग अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं कि हेड टू हेड जोड़ दो, टेल टू टेल जोड़ दो, डायरेक्शन पता चल जाएगी,
अरे यार अब मैं यहाँ पे निकालने जाऊँ टेल टू टेल, मतलब मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है मान लीजिए, और मैं चाहूँ कि इनके बीच का मैं डायरेक्शन बताऊँ, तो ए वेक्टर को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ, ए वेक्टर है ये, और ये जो बी वेक्टर है मुझे इसको घसीट के यहाँ पे लाना होगा पीछे की तरफ। अब ये जो एंगल बनाएगा ये होगा बेसिकली, ये जो एंगल बनाएगा ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों बराबर ही होंगे ठीक है। तो इतना मूर्खता नहीं करना कि इसे अब नीचे ला रहे हैं इसे फिर वहाँ पे ला रहे हैं, समय के साथ तो वो आदत बन जाएगी आपकी, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो ठीक है, आपको हेल्प करेगा ये। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर ले उसके बाद की छुट्टी। सबसे पहले है भाई इक्वल वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत आसान है अभी, आज थोड़ा सा बोरिंग भी मुझे लग रहा है क्योंकि ये बहुत सारे इजी टॉपिक है, पर भी बताना पड़ेगा। तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं ना जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और आपका डायरेक्शन भी सेम होता है, सुनो सेम सब कुछ सेम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डुप्लीकेट ना, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल पेस्ट, जैसे कि इसको मैंने लिया ए वेक्टर और इसको मैंने लिया कंट्रोल पेस्ट कर दिया जी बी वेक्टर, दोनों बराबर है जी, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और इसका जो डायरेक्शन है टोपी पास डायरेक्शन होता है वही बराबर है जी। फिर एक होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली समझ में आया, पैरेलल वेक्टर्स ये हैं कि सेम डायरेक्शन उनका होना चाहिए ठीक है, सेम डायरेक्शन उसका होना चाहिए, जैसे कि ये वेक्टर है जी और ये वेक्टर है जी ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है ठीक है, मतलब ये वेक्टर है जी ए वेक्टर मान लो और ये वेक्टर है जी मान लो बी वेक्टर, इनका डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, देख रहे हो ना, इनको बीच को लगाओगे तो इनका कोई एंगल नहीं बनेगा 0 डिग्री होगा, तो सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जी। अब मतलब अब कोई पूछेगा कि क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, तो एकदम होते हैं जी, मतलब इसको मैं ए वेक्टर इसको मैं बी वेक्टर दोनों ही तो बराबर हैं जी, दोनों ही तो पैरेलल है जी, तो इक्वल वेक्टर ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स में बेसिकली डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ए भी बड़ा भी हो सकता है जी लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा तो पैरेलली आप इसे यहाँ पर भी अगर आप लिख रहे हैं ए वेक्टर को और इसे आप यहाँ पर भी लिख रहे हैं बी वेक्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, दोनों पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में जी ठीक है। फिर एक होता है नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर बेसिकली क्या है कि उसमें आपका सेम मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट देखिए, लोग आपसे कहेंगे कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वेक्टर है एक ए वेक्टर मान लियो और ये वेक्टर है जी बी वेक्टर, इसे हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर, समझे? मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लोग आपसे कहेंगे कि नहीं 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 ये मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है दोनों नेगेटिव वेक्टर है, अरे यार नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं ना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मतलब ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर का डायरेक्शन बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है केस। फिर आपका लास्ट केस आता है जी ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को छूटा नहीं है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं क्योंकि स्कूल में आपके पूछा जा सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए ना, किताब में दिया होगा तो बताना तो फर्ज है जी। अब जैसे कि नेगेटिव वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड को सेम होना जरूरी समझते थे, यहां पर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी डिफरेंट, सेम सॉरी मे और मे नॉट बी सेम, क्या मैग्नीट्यूड आपका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, जैसे कि अगर ये एक बी वेक्टर है तो ये अगर ए वेक्टर होगा दोनों ही एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं समझे, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है
ये क्या है? कुछ नहीं है जी, ये एंटी पैरेलल नहीं है, ये ना ही इक्वल है ना ही नेगेटिव है, कुछ नहीं है जी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज का कंप्लीट किया, नहीं कुछ और छूट गया है, चलिए वो भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बेसिकली ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये जो दूसरा है ये पूछा जाएगा अभी, जो अभी बात करेंगे हम, वो भी देख लीजिए क्या दिक्कत है। जैसे कि इतना पढ़ा आपने, तो एक और पढ़ लीजिए, कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, सारे कोइनिशियल है, एक ही पॉइंट से जो निकले। आप जब पैरेललोग्राम लॉ समझेंगे तो उसमें ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, तो इन दोनों को यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करके ये जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा, उसकी बात हम करेंगे। तो वहाँ पर आपका कोइनिशियल वाला चीज़ काम आएगा कि एक ही इनिशियल पॉइंट से जब दो वेक्टर्स निकले हमें रे की फॉर्म में, तो कोइनिशियल वेक्टर है जी, एक ही इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर निकल गया, क्या दिक्कत है जी समझने में, है भाई। फिर होता है कोप्लेनर वेक्टर, उससे पहले समझ लिया कोलीनियर वेक्टर। तो कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में अगर दो वेक्टर हैं जी, कोलीनियर वेक्टर, एक ही लाइन में दो वेक्टर हैं जी, कोलीनियर वेक्टर, एक ही लाइन में दो वेक्टर हैं जी, कोलीनियर वेक्टर। ये कोई टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ी है, फाइव क्लास वाली चीज है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जी, ये देखिए, ये देखिए, एक ही प्लेन पे है ना, एक ही बोर्ड पे है ना, आपकी एक ही कॉपी पे है ना जी, कोप्लेनर है जी, समझे, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। मतलब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस। देखिए ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है क्या, कभी लाई कर सकता है क्या? नहीं जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही प्लेन पे लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हरदम किसी और प्लेन पर रहेगा, ये कोई ना कोई हरदम किसी और प्लेन पर रहता है, ठीक है, किसी और प्लेन पर रहता है। ठीक है, अंततः एक चीज आता है, नल वेक्टर। मैं क्लास को ले रहा हूँ जैसे एक लाइव क्लास चल रहा है, बेसिकली उसी का आदत है, कोई नहीं। नल वेक्टर क्या है जी? थोड़ा सा बोरियत हो गया होगा, नल वेक्टर बहुत जरूरी है। जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, आखिरी चीज़ है, वो बराबर हो जीरो की। नल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो जीरो है। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा उसका डायरेक्शन बताइयो, तो उसका यार डायरेक्शन जो है ना, फिजिक्स में एक ही चीज़ है जी, जिसे आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहना नहीं पता। क्या नहीं पता? नल वेक्टर का डायरेक्शन, आई डोंट नो। बाकी फिजिक्स को छोड़ के, ये गलती से अपने पापा को मत बताना, नल वेक्टर का भी पूछ दिया तो आपने बोल दिया डोंट नो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। डोंट नो, इतने सालों से पढ़ा रहे हो भाई, डोंट नो। तो नल वेक्टर का डायरेक्शन बेसिकली डोंट नो भी नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, वो भी गलत है जी। देखिए अनडिफाइंड होगा मतलब होता होगा, बट आई डोंट नो, मुझे जरूरी थोड़ी कि आपको ब्रह्मांड का हर एक चीज पता होगा। तो नल वेक्टर का डायरेक्शन आई डोंट नो, नल वेक्टर बेसिकली ये होते जी डॉट। अब बता दो इसका डायरेक्शन, हजारों डायरेक्शन हो सकते हैं, लाखों खरबों करोड़ों अरबों। कब होता है ये नल वेक्टर, वो भी फील कर लीजिए, है भाई, कब होता है नल वेक्टर ये भी फील कर लीजिए जाते जाते। अभी तक तो ये बहुत बेकार चीज़ें चल रही थी, कल से मजा आएगा। कि जैसे कि यहाँ से मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, डब्बा रखा हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में मैं आ गया, भाई लो आ जाओ, नहीं आपका दोस्त आ गया मान लो, और दोनों का बल बराबर हो गया, बक्सा हिलेगा नहीं लेगा, डब्बा अब्बा अब्बा हो जाएगा। लेकिन ये डब्बा रखा हुआ है, आप यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसे बल लगा रहे हैं भाई, तो हालत ख़राब हो गई आपकी। आप यहाँ से 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, पीछे से मैं आया, मैंने कहा कि यार डाउट वाउट तो ये बंदा पूछता ज़्यादा नहीं है, क्लास में अटेंटिव है, चलिए थोड़ा सा मदद कर ही देते हैं, क्या है। तो हम आगे भाई, हम बुरा जान लगा रहे हैं अपना 20 न्यूटन का, तो ये जो बक्सा है कितने न्यूटन से हिलेगा, 22 न्यूटन से, ठीक है, फोर्स इस पर इतना लगेगा 22 न्यूटन। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस बच्चे ने रिपोर्ट मारी थी मुझे, ठीक है, क्या किया था भाई, रिपोर्ट मारा था, ये बल लगा रहा है मान लो 10 न्यूटन का। मैंने बोला कि इसके अपोजिट तो खड़ा हो जाऊँगा मैं, लेकिन फिर चाइल्ड एक्ट ना लग जाए, उसलिए मैं भी 10 न्यूटन का ही लगाऊंगा, लो धीरे से पैर से अपने धीरे धीरे दांत मारूंगा।
तो जो नेट फोर्स यहां पर होगा वो जीरो हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे कि आपने फोर माने 10 न्यूटन गया, अब माइनस 10 न्यूटन हुआ तो बराबर जीरो न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन क्या है अनडिफाइंड। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डॉट, नल वेक्टर है, नल वेक्टर भी कई लोग कहते हैं, नल वेक्टर वो नल वो वाला पानी नहीं, पानी वाला नल नहीं है वो, जिसे वॉइड वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जो भी कह लो यार। चलिए तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल या फिर परसों हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर एडिशन के बारे में, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो जे एम जे कमेंट कर दीजिए, बोलिए जय महाराज जी।